तो अगर आप भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 12 परचेज किए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक खबर है और बहुत ही ज़्यादा ये एक चिंता का विषय है, जो कि आईफोन 12 मैन्युफैक्चरिंग के समय यहाँ पे ये डिफेक्ट आ गया है। और ये हर एक फ़ोन में है कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो रिसेंटली मैं अपने आईफोन 12 के साथ वाटर टेस्ट करने वाला था, क्योंकि इस फ़ोन में IP68 को सपोर्ट करता है, तो मुझे लगा कि इसमें वाटर टेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। उसी के बाद मुझे यहाँ पे फेसबुक पे मेरे ही सब्सक्राइबर के साथ एक मैसेज आता है, और जिस मैसेज में वो बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर आपके फ़ोन में आप डिस्प्ले के ऊपर वाले जगह पे कोई नोट या तो कोई पतला सा कागज़ यहाँ पे आप घुसाओगे तो ये घुस जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर रह सकता है, लेकिन दिक्कत तब होता है जब फ़ोन में आपका IP68 रेटिंग है। अगर आपके फ़ोन में IP68 रेटिंग है उसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन कम्प्लीटली वाटर रेसिस्टेंट है, और अगर वाटर रेसिस्टेंट है उस केस में अगर आपका डिस्प्ले के इस जगह पे कुछ कागज़ वागज घुस जाएगा तो फिर वो IP68 रेटिंग को सपोर्ट ही नहीं करेगा, फ़ोन के अंदर आपका ऑटोमेटिकली पानी चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ क्या मेरे फ़ोन के साथ ये जो नोट है वो नोट घुस जाएगा इसके डिस्प्ले के अंदर, या वो किसी किसी डिवाइस में है। तो आप लोग भी अगर आईफोन 12 यूजर हो तो डेफिनेटली आप लोग भी ये टेस्ट करके मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी ये दिक्कत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, अगर आप डिस्प्ले के इस जगह पे ऐसे आवाज़ करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा लगेगा कि कहीं ना कहीं ब्लैंक जगह है, क्योंकि इस जगह पे आवाज़ थोड़ा सा अलग आता है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन ऊपर की साइड पे वो जगह नहीं आता है। और हो सकता है आपको ये लग सकता है क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई कर दिया है, तो हो सकता है उसके लिए ये आवाज़ आ रहा है। तो मैं पहले स्क्रीन जो मेरे पास लगा हुआ है इस प्रोटेक्टर को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टर हटा दिया, अब आप लोग कम्प्लीटली देख सकते हो फ़ोन में ना तो मेरा कुछ बैक कवर लगा हुआ है, ना तो कुछ यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और अगर आप मिडिल पोर्शन में टैप करोगे तो ऐसे आवाज़ आएगा, ऊपर पर्सन में वैसे आवाज़ नहीं आएगा। और यहाँ पे आप श्योरली ये कह सकते हो कि ये बीच वाला जो जगह है उसमें आपको थोड़ा बहुत स्पेस अलग से जगह रखा हुआ है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो अब नेक्स्ट जो बात है, क्या डिस्प्ले के अंदर कोई नोट घुस जाएगा इस जगह पे, क्योंकि ये बॉक्सी डिजाइन का फ़ोन है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए 2-3 फ़ोन से टेस्ट किया है, ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरे पास काफ़ी एक पुराना फ़ोन है, रेडमी 8 है, जिसमें अगर मैं इस तरह से डिस्प्ले के इस जगह पे कोई नोट घुसाने की कोशिश करता हूँ तो नहीं जाता है। और अगर इसमें जाएगा भी तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ़ोन तो IP68 नहीं है, तो नोट अगर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 फ़ोन में टेस्ट करके देखा, यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर किसी भी हालत में आपका चाहे वो पतला कागज़ हो या मोटा कागज़ हो नहीं जा रहा है। ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा मोटा कागज़ है, जनरली यहाँ पर ये सबसे मेरे पास जो पतला कागज़ है वो ये है। तो ये आप लोग देखो, अभी आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, तो ये नहीं जा रहा है डिस्प्ले। लेकिन अगर वही चीज़ सेम चीज़ अगर आप आईफोन 12 के साथ करने की कोशिश करोगे तो इस वाले जगह पे आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि आपका इतना मोटा अगर नहीं भी जाता है, एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, तो ये नहीं जा रहा है, और ये उससे भी मोटा है तो ये भी डेफिनेटली नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा और पतला है, ये भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप एक नोट ले लोगे पतला सा, कोई भी एक अगर आप नोट ले लोगे, यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरे पास ये 100 रुपये का नोट है वो थोड़ा सा इसके अंदर घुस चुका है डिस्प्ले के अंदर। अगर मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा पाऊँ तो अब आप लोग देख सकते हो ये जो है अंदर थोड़ा सा चला गया है, और अभी आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो ये थोड़ा सा चला जा रहा है। और ये ज़्यादा आपका तब चला जाता है जब आप फ़ोन में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसके कारण फ़ोन हीट है, तो जब ये हीट रहता है तो नोट का लगभग इतना सा पोर्शन, अभी आप लोग देख लो ये नोट आपका हल्का सा इसके अंदर घुस चुका है, और ये आप लोग खुद भी टेस्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव सारा कुछ दिखा रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बताना। यहाँ पर आप लोग देख लो कि नोट हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर घुस गया है। अब मैं फिर से वही बात आपको एक बार बताऊंगा, ये नोट घुसना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात इस पे है
कि फोन में आपका IP68 सपोर्ट करता है, और अगर यहाँ पे नोट घुस जा रहा है इसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर आपका पानी भी घुस सकता है, और अगर पानी घुस जाएगा तो IP68 किसी भी काम का नहीं है। तो अगर आप फोन को थोड़ा सा हीट कर लोगे, मैट भी अगर आप गेम वगैरह खेल लोगे फोन के साथ, उसके बाद अगर आप नोट को घुसाओगे तो लगभग मैंने यहाँ पे खुद टेस्ट करके देखा है, नोट का इतना सा जो मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन फोन के अंदर चला जाता है डिस्प्ले और यहाँ पे जो आपका फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी ने हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है इसको बनाते समय, या तो हो सकता है ये मेरे यूनिट और कुछ यूनिट में ये पाया गया है, तो इसलिए मुझे जानना ये बहुत ज़रूरी है क्या ये मेरे ही फ़ोन के साथ हो रहा है या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आप लोग इस टेस्ट को एक बार करने के बाद डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो सारे लोग फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में इस फ़ोन को नहीं परचेज किए हो वो लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या आपके यूनिट में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो लोग ऑफलाइन से परचेज किए हो वो लोग भी मेंशन करना कि ऑफलाइन वाले जो लोग फ़ोन खरीदे हो क्या उस फ़ोन के साथ ही ऐसा दिक्कत है या नहीं है। तो सारा कुछ मिला के ये डेफिनेटली आप लोग मुझे बता सकते हो कितने लोगों के साथ ये दिक्कत हो रहा है, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ये चीज़ आप पूरा कन्फर्म कर ले उसके बाद ही फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 परचेज करें, वरना यहाँ पे IP68 का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जो कि नॉर्मल फ़ोन की तरह होगा, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फ़ोन के अंदर पानी बहुत ही इजीली चला जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली आप लोग कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि इसे अवेयरनेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।